हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको कल परसों की डेट में यहाँ पर दो तीन वीडियो यहाँ पर बना के दी गई थी। होप आपने यहाँ पर देखा हुआ था। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे, जानेंगे कंपनी में यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसाइड नजर आता है। यहाँ पर अच्छे खासे स्विंग ट्रेड भी यहाँ पर नजर आते हैं, लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर शेयर अच्छा खासा नजर आता है। तो क्या इसके फंडामेंटल्स है, इसके क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है और किस तरीके से यहाँ पर इनके रिजल्ट्स एंड ऑल है, वो सब चीज देखेंगे। एज वेल एज हम यहाँ पर देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट के यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कि अच्छे खासे शेयर को यहाँ पर लेके जाएगा। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल जो कि आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको पूरी की पूरी भी यहाँ पर वीडियो मिले और यहाँ पर आप देख सके, लास्ट तक बने रहे। और बाइंग सेलिंग की कोई यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके आपको सीखना है, और सीखने के लिए यहाँ पर ये वीडियोस डेली बेसिस पर डाले जाते हैं। देखते रहिए, अपने आप सीखते रहेंगे, अपने आप को रिफाइन करते रहेंगे। एज वेल एज ये पर्टिकुलर नंबर है, अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो ये पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्जेस पे बेहतरीन सर्विस और पोर्टफोलियो रिव्यू सब चीज यहाँ पर किया जाता है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट से रिलेटेड। राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस क्या है, देखिए आपने देखा है कि यहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ओके, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर देखें गोल्ड की प्राइस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो 22 कैरेट का सोना आज से 15-16 दिन पहले यहाँ पर 45,000 रुपये पड़ता था, वो आज के दिन में 48,000 चल रहा है, लगभग 3,000 रुपये यहाँ पर बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 24 कैरेट का रेट बढ़ चुका है। तो यहाँ पर गोल्ड का रेट कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि गोल्ड के बिजनेस में काम करती है। यहाँ पर देखिए, इज हेडक्वार्टर इन बैंगलोर एंड इन्वॉल्व इन एक्सटेंसिव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग नेटवर्क विद डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एक्सपोर्ट्स, होलसेल एंड डायरेक्टली टू कंज्यूमर बाय इट्स ओन रिटेल ब्रांड, ओके। इट्स रिफाइंड ओवर 25% ऑफ द गोल्ड वर्ल्ड्स गोल्ड। तो अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टिंग में भी काम करती है, ओके, रिटेल के बिजनेस में भी काम करती है, गोल्ड के एक्सपोर्ट भी करती है, होलसेल भी करती है, और जितना भी वर्ल्ड का जितना भी सोना है उसका 35% यही कंपनी है जो कि रिफाइन करती है। तो इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, इट इज अ वेरी बिग कंपनी। और धीरे धीरे देखिए इनका जो यहाँ पर मार्केट से रेवेन्यू आता है ना, थोड़ा बहुत ही आता है यहाँ पर खुद के रिटेल बिजनेस से आता है। जैसे कि हम बात करें, आपने तनिष्क का नाम सुना होगा, आपने अलग अलग नाम सुना होगा, ये धीरे धीरे अपने ब्रांड को भी यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, ओके। और जैसे जैसे इनका ब्रांड बिल्ड होता जाएगा, जैसे जैसे इनकी शॉप्स ओपन होती जाएगी, ऑब्वियसली बात है इनके स्टोर्स ओपन होते जाएंगे, इनका बहुत ज्यादा बिजनेस आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 35% यहाँ पर रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनर इन द वर्ल्ड में यहाँ का काम नाम आता है। माइनिंग में एक कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। बुलियन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, तो अगर बात करें प्रोड्यूसेस वालकम्बी ब्रांड बुलियन सप्लाई टू द लीडिंग बुलियन बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स में इस ब्रांड के नाम से यहाँ पर इनका गोल्ड जाता है। गोल्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड द गोल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें भी ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है। होलसेल में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर इनकी प्रेजेंस की बात करें इंडिया और मिडिल ईस्ट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और आपको पता ही, यहाँ पर दुबई वगैरह में गोल्ड कितना बिकता है। और बात करें, इट सप्लाई ज्वेलरी टू द 5,000+ शोरूम्स डायरेक्टली। तो डायरेक्टली इन शोरूम को यहाँ पर 5,000+ शोरूम को यहाँ पर गोल्ड बेचा जाता है। एक्सपोर्ट टू द गोल्ड प्रोडक्ट्स, अगर बात करें यहाँ पर गोल्ड के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। रिटेल ऑफ द गोल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, रिटेल प्रेजेंस अंडर ब्रांड शुभ शुभ ज्वेलर्स के नाम से इनका एक यहाँ पर बात करें कर्नाटका में इनका शोरूम है। करंटली ऑपरेट्स 83 शोरूम्स। तो अभी 83 शोरूम्स यहाँ पर इनके चल रहे हैं, पर धीरे धीरे ये अपने शोरूम्स को बढ़ाते जा रहे हैं और जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाएगा, पूरे इंडिया में एक्सपेंड होगा, तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। इट प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स रिटेल ऑपरेशन सो दे अकाउंट फॉर अबाउट 20% टोटल रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 6 ईयर। तो अगले 6 महीने में इनका 20% का यहाँ पर
टारगेट है कि इनका जितना भी रेवेन्यू आता है उसका 20% कम से कम इस पर्टिकुलर रिटेल चेन से आना चाहिए, और अभी कितना 1% ही आता है केवल। और देखिए जब 1% से 20% की बातें हो रही है तो ऑब्वियसली बात है छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके रेवेन्यू का 29% इंडिया से, 19% अमेरिका से, सॉरी नॉर्थ अमेरिका से, 18% इंडिया से, 19% जो पहले यहाँ पर देखिए यूरोप अकाउंट्स मेजोरिटी, यूरोप से 29%, और यहाँ पर मिडिल ईस्ट से 14%, फार ईस्ट से 13%, चाइना से 7%। एक्विजिशन भी करते रहते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आप इनके वेबसाइट पर जाके एक बार पढ़ सकते हैं। बात करते हैं मिड कैप कंपनी है, 20,958 करोड़ का मार्केट कैप है, 118 का पी है। ओके, पी इंडस्ट्री के पी से ऊपर चल रहा है, बट शेयर भी उसी तरीके से काम भी कर रहा है। डेट की बात करें बहुत कम इनके पास डेट है, ओके ज्यादा डेट भी नहीं है इनके पास, और यहाँ पर 995 लगभग 1000 के आसपास से यहाँ पर गिर के 710 पे शेयर चल रहा है। अदरवाइज ये और भागता अगर ये मार्केट इस नीचे नहीं लाई जाती इसमें, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न वॉलेटाइल है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप, कभी स्मॉल कैप कंपनी थी फिर मिड कैप हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से चार्ट पैटर्न यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। चीजें ऊपर भागती है फिर नीचे भी आती है, फिर ऊपर भागती है फिर नीचे आती है, अगेन यहाँ पर देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, ये चार्ट पैटर्न कब बनते हैं, ये चार्ट पैटर्न तब इस तरीके से बनते हैं जब इनके कभी तो रेवेन्यू अच्छे आते हैं कभी बेकार आते हैं, कभी अच्छे आते कभी बेकार आते हैं। तो इस तरीके के जब इनके रिजल्ट बेकार और अच्छे आते हैं इस तरीके से इनके चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं, बट अगर इनके कंटिन्यूस अच्छे रिजल्ट आएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर पैटर्न यहाँ पर चार्ट को भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे जाते हैं सीधे, तो सेल्स देख लीजिए, सेल्स लगातार यहाँ पर बढ़ी फिर यहाँ पर एक साथ कम हो गई जिसकी वजह से चार्ट पैटर्न ऊपर से नीचे आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर 1,00,000 करोड़ के आसपास सितंबर में बढ़ी, फिर शेयर ऊपर गया फिर इसके बाद नीचे आया। तो यहाँ पर अभी भी बात करें तो यहाँ पर देखिए 65,180 करोड़ के आसपास का यहाँ पर सेल्स हुआ है जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे बहुत ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं कितने परसेंट से यहाँ पर ग्रो हुई है, जो यहाँ पर 12% थी वो 42 हो गई, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव थी लास्ट क्वार्टर में। यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें, ऑपरेटिंग इनकम क्वार्टरली एज बेसिस पे थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है, 329 से 318 हो गई है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से यहाँ पर बड़े लगभग 99% के यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट में इनका कंज्यूम हुआ है। तो 318 करोड़ का यहाँ पर फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया जो कि क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा, बट एनुअली बेसिस पे यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम है, एनुअल बेसिस पे अच्छा खासा है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन और क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर ईयरली बेसिस दोनों पे यहाँ पर कम होते हुए नजर आए। दिस इज द रीजन, एक और रीजन है कि यहाँ पर ये शेयर की अगर हम बात करें अच्छा खासा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, बट एक अपॉर्चुनिटी है, इसे अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर ईपीएस भी देखेंगे, ईपीएस यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी की ईयरली बेसिस पे देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ हुई है, कभी 2013 में 31,000 करोड़ की यहाँ पर सेल्स थी, अभी बात करें 2021 में 2,58,000 करोड़ की, और अभी 12 महीने में 2,21,000 करोड़ की सेल्स है। तो ये एक नंबर है जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट लगातार यहाँ पर इनके बढ़ते हुए नजर आए, बट 2020-21 में यहाँ पर आपको पता ही है 21 वजह से यहाँ पर कम हुए थे रेवेन्यू, जस्ट बिकॉज यहाँ पर लॉकडाउन हो गया था और इनका काम ही बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड है, गोल्ड कौन ले रहा था, कोई भी यहाँ पर गोल्ड को यहाँ पर परचेज नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर चीजें यहाँ पर सही होती हुई नजर आ रही है, अब धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा रही है। तो यहाँ पर पिछले 12 महीने का प्रॉफिट 1163 है, बट जैसे ही और भी ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो इन नंबरों को भी ये पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे। बोरिंग की बात करें, बोरिंग जो इनके पास 5,000 करोड़ 8,000 करोड़ के आसपास की थी वो कम होकर 742 करोड़ की रह गई है। दिस इज अ पॉजिटिविटी की शो करती है कंपनी की, कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, रिजर्व्स इनके बढ़ रहे हैं, नंबर कंटिन्यूस अच्छे खासे आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा देखेंगे लगभग 9 करोड़ रुपए का इनका वर्क इन प्रोग्रेस में लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट लगभग 1100 करोड़ के आसपास की, और कैश की बात करें तो कंपनी के कैश थोड़े कम हुए क्योंकि कम कैश से ही इन्होंने अगर हम बात करें तो कैश से ही यहाँ पर इन्होंने अपने डेट को यहाँ पर कम किया है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इनके चार्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 54.05% की यहाँ पर होल्डिंग है, और FIs की बात करें, FIs की यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 1% की हिस्सेदारी बढ़ी है जो कि एक पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाता है। DIs की बात करें, DIs ने भी लगभग 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है, और पब्लिक के पास से शेयर जा रहे हैं, और पब्लिक के पास से शेयर का जाना मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो चार्ट पैटर्न पे हम आ जाते हैं, तो देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आई
तो नीचे आने पर ये शेयर भी उसके साथ साथ यहाँ पर श्रिंक हुआ, एज वेल एज यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ था, एक ये भी रीजन हो सकता है। तो लगभग 28% शेयर यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से गिर गया है। और देखिए, जब भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से यहाँ पर गिरावट हुई है, थोड़े बहुत टाइम में चीजें ऊपर जाती हुई नजर आई है, और यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर अभी तक 42% था जो कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर भाग गया है, लगभग 39% के सीधे टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बट स्विंग ट्रेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्विंग ट्रेड में आपको 39% नहीं, क्योंकि चीजें यहाँ पर आके एक बार टेस्ट होंगी तो लगभग 28% पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस लेवल को याद रखिएगा। इस लेवल के ऊपर गई चीजें तब यहाँ पर अच्छी खासी भागेगी, बट उससे पहले यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई नीचे यहाँ पर टच करके नीचे आ सकती है, और यहाँ पर अगर अच्छे रिजल्ट आए तो इसे भी क्रॉस करके इसे भी क्रॉस करेगी और चीजें 1000 की तरफ जाएगी। और गोल्ड के बिजनेस में तो ऑब्वियसली बात है, गोल्ड का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी के अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर भागा भी था शेयर, अभी थोड़े से श्रिंक हुए, पर धीरे धीरे यहाँ पर FIs भी लौटेंगे, सब चीज यहाँ पर लौटती हुई नजर आएगी, तो ये शेयर भी यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर इसके एक और चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप डालते हैं यहाँ पर ये, एक मिनट का टाइम दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक यहाँ पर शोल्डर बनाया, फिर एक यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा सा हेड बन रहा है, और फिर अगेन यहाँ पर एक शोल्डर कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पार्ट पैटर्न आप यहाँ पर इसे कह सकते हैं। और इस तरीके जब अच्छे रिटर्न आ गए, अच्छे रिजल्ट आ गए इसके, तो याद रखिए कंपनी यहाँ पर बूम कर जाएगी। यहाँ पर देखिए एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर शोल्डर बनाया, फिर यहाँ पर चीजें नीचे आई, अब दोबारा ऊपर जाती हुई जब यहाँ पर इस लेवल को जब तोड़ेगी, ये पर्टिकुलर लेवल जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ याद रखिए रिजल्ट अच्छे आते ही साथ ये यहाँ पर बूम कर जाएगी और ये अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर देते हुए जाएगी, जो कि इसके अगर हम रिटर्न की बात करें तो एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिटर्न यहाँ पर, ये शेयर लगभग 1700 रुपए तक जा सकता है, बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, चीजें तुरंत के तुरंत ऐसी नहीं होगी। और कंपनी यहाँ पर वर्ल्ड का लगभग 35% गोल्ड को रिफाइन करती है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक बेहतरीन पॉइंट है, लगभग 140% के यहाँ पर रिटर्न्स आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। और स्टार्टिंग में बीच में भी यहाँ पर वीडियो बनाई थी तब भी ये शेयर यहाँ पर भागा था, अगेन यहाँ पर चीजें नहीं चाहिए, स्विंग ट्रेड में लगभग 25 से 30% के रिटर्न आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म का अगर वेट करते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो चीजें और निकलेंगी। तो यहीं पर ही चीजों को क्लोज करते हैं, बट बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, और वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।